हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एंजियोस्पर्म, एक फ्लावर का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम फ्लावर के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है पिस्टल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली हमारा एग प्रोडक्शन करता है फ्लावर में, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन की एक मेन कॉज है, फीमेल एग सेल का डेवलपमेंट। सो कुछ हमारे सब यूनिट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि पहला है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा हमारा सबसे अपर पार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिस पे पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन आकर स्टिक होता है। और पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिक इसलिए होता है कि यहाँ पर बेस पे, यानी ट्री अपर बेस पे स्टिग्मा के एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन वहाँ पर आकर स्टिक हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है स्टाइल। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा जस्ट स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्टाइल। और स्टाइल का फंक्शन मेनली यही होता है कि वो पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट में हेल्प करे और पोलन ग्रेन को सेफली ओव्यूल तक ट्रांसफर होने में हेल्प करे। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है पोलन ट्यूब। बेसिकली पोलन ट्यूब हमारा बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टिग्मा से स्टाइल के अंदर डेवलप होता है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टिक हो जाता है। और पोलन ट्यूब का फंक्शन होता है कि वो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचाने में हेल्प करे पोलन ग्रेन की। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ओवरी। ओवरी हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है, जो कि जस्ट स्टाइल के नीचे प्रेजेंट होता है और जिसका फंक्शन होता है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना, यानी कि ये फीमेल गैमेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है ओव्यूल में और ओव्यूल हमारा प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, यानी कि हमारा ओव्यूल जो है उसमें फीमेल एक्सेल प्रेजेंट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, स्टाइल प्रेजेंट होता है, पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है, ओवरी प्रेजेंट होती है और ओव्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टैमेन बोलते हैं और स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एंथर और सेकंड पार्ट होता है हमारा फिलामेंट। सो एंथर इज द मेन सिस्टम, जिसमें कि हमारा पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। बेसिकली एंथर कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक्स and these pollen sacs are responsible for the development of pollen grains. And filament is a tube-like structure, जिसका function mainly यही होता है कि वो anther को uplift करके दे रखता है, जिससे कि pollination के time easily pollinating agents pollen grain को stigma तक carry कर पाते हैं। Now next part है हमारा petals. पेटल्स आर बिगर साइज लीफी स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। एंड दे आर इन ब्राइट कलर बिकॉज ब्राइट कलर की वजह से पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देन एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेपल। सेपल्स आर बेसिकली द स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं। एंड द मेन फंक्शन ऑफ सेपल्स आर टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बड
एट द बर्ड स्टेज, यानी कि ये फ्लावर को बर्ड स्टेज पे प्रोटेक्ट करते हैं। सो ये सारे हमारे पार्ट्स थे, लेट्स डू अ क्विक रिविजन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टल कहते हैं, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, पोलिन ट्यूब, ओवरी एंड ओव्यूल से मिलकर बना है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टैमिन बोलते हैं, जो कि एंथर और फिलामेंट से बना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा ओव्यूल्स के अंदर फीमेल एग सेल प्रेजेंट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा एंथर के अंदर पोलन सैक्स में पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। पेटल्स हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ब्राइट कलर होते हैं, और ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स फॉर एग्जांपल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। हमारा लास्ट पार्ट आता है सेपल। सेपल्स हमारे स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि ओवरी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्लावर एट बर्थ स्टेज। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट द एंजल फ्लावर। Thank you for watching the video. Soon I'll come with another exciting video. Till then, bye bye, take care.